बलिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। 1857 का स्वातंत्र संग्राम से लेकर के बलिया आजादी की लड़त, क्रांति के बिगल बजाने में, जीवन न्योछावर करने में अग्रिम पंक्ति में रहा था। मंगल पांडे जी हो, चित्तू पांडे जी हो और चंद्रशेखर जी तक की एक परंपरा। तीखे तेवर और फौलादी इरादे और मातृभूमि के लिए मर मिटने का जुनून, ये कहानी है बलिया की, बागी बलिया की। अपने विद्रोही तेवरों की वजह से ही बलिया बागी बलिया कहलाया। उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर बसा बलिया पुराने समय से ही अपनी विशेषताओं के लिए विख्यात रहा है। यह भूमि ऋषि मुनियों से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रसिद्ध रही है। महान सांस्कृतिक विरासत को समेटे यह शहर तमसा के तीर पर बसा है। गंगा और सरयू के दुआब में होने से बलिया हजारों साल की सभ्यता का साक्षी रहा है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक बलिया का नाम हमेशा आगे रहा है। क्रांतिकारियों से लेकर प्रधानमंत्री तक हर क्षेत्र में बलिया का नाम आगे रहा है। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की आग में पूरा जिला जल रहा था। जन आक्रोश चरम पर था। जगह जगह थाने जलाए जा रहे थे, सरकारी दफ्तरों को लूटा जा रहा था, रेल पटरियां उखाड़ दी गई थी। जन आक्रोश को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन के सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया था, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। 19 अगस्त को लोग अपने घरों से सड़क पर निकल पड़े। जिले के ग्रामीण इलाके से शहर की ओर आने वाली हर सड़क पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था। भारी भीड़ शहर की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही यह सूचना प्रशासन को मिली, उसके होश उड़ गए। अफसरों ने अपने परिवार को पुलिस लाइन में सुरक्षित कर दिया था। तत्कालीन कलेक्टर जे निगम जिला कारागार पहुंचे थे। जेल में बंद आंदोलन के नेताओं को रिहा करते हुए भीड़ का आक्रोश शांत करने का निवेदन किया था। जेल में बंद आंदोलन के नेता बाहर निकल चुके थे। चित्तू पांडे के नेतृत्व में भीड़ आज के क्रांति और उस समय के टाउन हॉल के मैदान में पहुंची थी। वहीं बलिया की आजाद होने की घोषणा हुई थी। चित्तू पांडे आजाद बलिया के पहले जिला अधिकारी घोषित किए गए थे। सेरे बलिया के नाम से दुनिया भर में मशहूर हैं चित्तू पांडे। 23 मई 1984 को बलिया में चित्तू पांडे की प्रतिमा का अनावरण करते हुए इंदिरा गांधी ने कहा था कि सारा देश बलिया को चित्तू पांडे के कारण जानता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने जेल से छूटने के बाद कहा था कि मैं पहले बलिया की स्वाधीन धरती पर जाऊंगा और चित्तू पांडे से मिलूंगा। 22 अगस्त को 2:30 बजे रात में रेलगाड़ी से सेना के टुकड़े नीदरसोल के नेतृत्व में बलिया पहुंची। नीदरसोल ने मिस्टर वाकर को नया जिला अधिकारी नियुक्त किया। 23 अगस्त को 12 बजे दिन में नदी के रास्ते सेना की दूसरी टुकड़ी पटना से बलिया पहुंची। इसके बाद अंग्रेजों ने लोगों पर खूब कहर ढाए। आंदोलनकारियों को अदालत में पेश किया गया। उन्हें 7-7 साल की कैद और 20-20 बेंत की सजा दी गई। किसी को नंगा करके पीटा गया तो किसी को हाथी के पांव में बांध कर घसीटा गया। उन घरों को ध्वस्त किया गया जहां सत्याग्रही जुटते थे। अंग्रेजों ने अनेक गांवों के सैकड़ों घर चलाए। 116 बार गोलियां चलाई गई जिसमें 140 नागरिकों की जानें गईं। सरकारी कर्मचारी सुबह होते ही केरोसिन लेकर गांव को फूंकने निकल जाया करते थे। गांव पर सामूहिक जुर्माना लगाया गया। चित्तू पांडे भूमिगत हो गए थे। बलिया देश के उन थोड़े से स्थानों में था जहां अंग्रेजों ने सर्वाधिक जुल्म ढाए।
जनकवि पंडित जगदीश ओझा सुंदर ने इस घटना को अपनी कविता में रेखांकित करते हुए कहा था कि जर्जर तन बूढ़े भारत को यह मस्ती भरा जवानी है। बलिया की बहुत बड़ी भूमिका थी, 1857 का स्वतंत्र संग्राम से लेकर के बलिया आजादी की लड़त, क्रांति के बिगल बजाने में, जीवन न्योछावर करने में अग्रिम पंक्ति में रहा था। मंगल पांडे जी हो, चित्तू पांडे जी हो और चंद्रशेखर जी तक की एक परंपरा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी सैट न्यूज़।